तुमसे मिलके। मिस्टर जान आप गए नहीं? नहीं। पॉलिन तुम यहाँ पर कैसे? जान तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। ओह अच्छा, मैं तुमसे मिलने तो आ ही रहा था। तो क्या करती, मैं वेट नहीं कर सकती थी तो आ गई। वेल सनम तुम यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही काम था। वैसे अच्छा हुआ सनीम यहाँ पर आ गई, मुझे कंपनी मिल गई, इसके साथ अच्छा लगा। सनीम सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बोला। चलो चलती हूँ। एक मिनट में मिल के आता हूँ। सनम सनम रुको, सनम एक मिनट, सनम 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 मेरी बात सुनो प्लीज। सनम सनम रुक जाओ प्लीज। सनम क्या हो गया तुम्हें? कहिए मिस्टर जान। क्या हुआ सनम, तुम यहाँ पर क्यों आए? कुछ भी तो नहीं, कुछ जरूरी था वो मैंने सॉल्व कर लिया है। क्या सॉल्व कर लिया, मुझे जानना है, बताओ। कहा ना कुछ नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया है, इट्स ओवर मिस्टर जान। सनम तुम कुछ तो छुपा रही हो, अगर वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती तो तुम यहाँ पर नहीं आती। मुझे जानना है प्लीज, बताओ व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द इशू? मिस्टर जान पता नहीं कैसे बताऊं, आप सुन पाएंगे या नहीं, पर मिस पोलिन ने आपके लिए मीट बनाया है तो आपको जाकर उसे तुरंत खाना चाहिए, जाइए आपको पसंद आएगा। सनम मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो यहाँ पर क्यों है, ये मेरे लिए सरप्राइज था, ट्रस्ट मी। ये सरप्राइज था? यस। मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी था। हम भी तो सरप्राइज से ही मिले और हमारा इंट्रोडक्शन भी तो सरप्राइज से ही हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जान आप हमेशा पूछते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, क्या हो सकता है? मैं ठीक हूँ मिस्टर जान, हो सकता है सब ठीक हो। हम बात करेंगे। आपने फिर गड़बड़ कर दी, तो बेवकूफ हो सनम। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस आदमी को भूल जाओ, अपने आप को इतना जलील मत करो। तुम तो बोलो ही मत, खामोश रहो, ठीक है? मेरा जॉब अब खत्म हो चुका है मिस्टर जान, इसके बाद अब एक अलग सनम को देखेंगे। तुम यहाँ पर? हाँ। तुम यहाँ पर? अब चली जाऊँ? नहीं, तुमने कहा था तुम नहीं आओगी। आप चाहते हैं मैं रुक जाऊँ? तो तुम जाना चाहती हो वापस? हाँ। Hi Levin, good to see you. How are you? Good, thank you. क्या बात है, दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने और तुम बहुत स्पोर्ट्स कर रहे हो, दिख रहा है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा जाकर देख लो प्लान कहाँ तक हो गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे आंटी रमिदे कहाँ पर? उनका जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो घर पर ही आराम कर रही है वो। मुझसे कहा कि तुम जाकर आओ, मैंने कहा कि भाई को बोल दो। हाँ लेकिन उन्हें मुझ आपकी कॉफी सर। थैंक यू सो मच। बॉन एपिटी मिस्टर जान, ये लीजिए आपकी कॉफी। मैंने इसमें शुगर नहीं डाली क्योंकि आप शुगर नहीं लेते। आपने जेजे से कहा कि चाय लेकर आओ, मैंने कॉफी लाई है, मैंने कॉफी पी है, बहुत अच्छी है। कभी कभी ऐसे चेंज होना अच्छा होता है। ये सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ सनम, आई होप तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। आप सनम है? ओह व्हाट अ सरप्राइज, हम लोग अभी आपकी ही बात कर रहे थे। हाय, मेरा नाम लेवेंट है। नाइस टू मीट यू मिस्टर लेवेंट। क्या हम तीनों मिलकर यहाँ मीटिंग कर सकते हैं अभी? मीटिंग लेकिन किस बारे में करनी है? वेल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में है। मैं मिसेज रिमेट का बड़ा बेटा हूँ। रियली? ठीक है तो फिर ट्रे रखकर मैं नोटबुक लेकर आती हूँ, मैं आती हूँ फिर मीटिंग करते हैं।
ओके ठीक है। और जैसा कि आपने देखा, हम ये नहीं कर सकते, अगर ये पूरे कैंपेन के लिए है तो हमको और भी अल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ेगी, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। हाय एवरीवन। हाय डरन, डरन हमारी क्रिएटिव मैनेजर है। नाइस टू मीट यू मिस्टर लेविन, हम शायद पहले नहीं मिले होंगे। नाइस टू मीट यू टू। ये कितनी इत्तेफाक की बात होगी ना कि मैं भी गलीना प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और आपको भी इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं भी यहाँ डिटेल मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस थोड़ा आइडिया लेना चाहता था सनम से कि क्या प्लानिंग की है। क्यों नहीं, सनम भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती है। थैंक यू मिस्टर एन। वैसे भी हम मिसेस रमिदे से बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट पर एक रफ डिस्कशन कर रहे थे। That's it, nothing more. तो ठीक है, मैं भी बाजार प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आइडिया शेयर करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ सनम का आइडिया सुनने के लिए आया था। लेविन, डेरन भी काफी क्रिएटिव सोचती है, तो अच्छा होगा अगर तुम जाने से पहले इसके भी आइडिया सुन लो। ओके, अगर तुम कहते हो तो। बोलो सनम। सर, मेरे पास एक और आइडिया है, जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, जैसे कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो हम कस्टमर्स का ज्यादा अटेंशन खींच सकते हैं। मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक है वो रिसाइकल। दरअसल मेरा ब्रांड जो है वो गलीना से काफी अलग है, वो एक नया ब्रांड है और हमें बहुत सारे फायदे देगा। आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मैनेजर रहेंगे और इस तरह से फैसिलिटीज, प्रोडक्शन प्लांटेशन और कस्टमर प्रोफाइल सब कुछ अलग अलग होंगे, इससे कस्टमर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ब्रांड न्यू प्रोडक्शन। बात करो, कुछ तो बोलो उन्हें, बोलो उन्हें मिस्टर जान। इसे सीक्रेट ही रखो क्योंकि मैंने आज सुबह इसे आइलैंड के साथ देखा है। कुछ भी इन्हें डिटेल्स में मत बताना, ठीक है मिस्टर जॉन। लेविन, क्या तुम आइलीन से मिले थे? हाँ मिला था, मैं उसके साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर काम करना चाहता हूँ इसलिए। हाँ तो तुम ऐसा करो कि ये प्रोजेक्ट उसे ही दे दो, हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को एक ब्रांड में लाना सनम का ही आइडिया था। या तो तुम हमें पूरा प्रोजेक्ट दो या तुम आइलीन के साथ ही काम करो, और हम ये प्रोजेक्ट आइलीन के साथ शेयर नहीं करेंगे। वेल, ये हमेशा की तरह ही रहेगा, और जान हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। मेरी माँ ऐसा कहना चाहती थी, इसलिए मैंने एलिन को कॉल भी किया है। ओके ओके, बता दो उसे। ओके हम हमारी अगली मीटिंग में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यस मिस डेरन, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू। थैंक यू मिस्टर लेविन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर लेविन, आई होप कि आप इस मीटिंग से सेटिस्फाइड हो। और क्या हो सकता था, सनम आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ओह सनम, एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं, आप मुझे सिर्फ सनम बुला सकते हैं, सब मुझे वही बुलाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता था आपसे, आपका फेस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले कभी मिले हैं। हो सकता है आपने मुझे एनिवर्सरी पार्टी में देखा हो। मैं तो लॉज में था, आप कहाँ थी? पार्टी में, 46 एनिवर्सरी पार्टी में। लॉज में? हाँ। वही देखा होगा। हाँ, लॉज, समझा, हाँ, लॉज, हाँ, समझा, लॉज, बिल्कुल, लॉज, हाँ, लॉज। लेविन, जरा सोचो उस रात के बारे में, दाढ़ी थी ना तुम्हारी तब, हाँ, थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें उस दिन के बारे में? दाढ़ी तो नहीं थी ना, हाँ, याद आ रहा है कुछ? हाँ थी, दाढ़ी थी मेरी। दाढ़ी थी? कम थी। दाढ़ी थी तुम्हारी? अरे नहीं, मैंने हमेशा। अरे दाढ़ी नहीं थी तुम्हारी? अरे थी मेरी दाढ़ी, मैंने कहा ना। अरे यार सनम, कसम से बोल रहा हूँ, इसकी दाढ़ी नहीं थी। हाँ थोड़ा स्टेबल जैसा। अरे मुझे पूरा याद है, इसकी दाढ़ी नहीं थी उस वक्त। जान, लेवेंट ने कहा कि उनकी। अरे नहीं थी वो। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे याद नहीं। हाँ ठीक है, सच मुझे याद नहीं होगा कि तुम्हारी दाढ़ी थी या नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद है कि तुम्हारी दाढ़ी थी। हाँ ठीक है, उसको याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम कल चलकर उस जगह को देखते हैं। मैं वहाँ पहले नहीं गया क्योंकि बहुत सारे रियल स्टेट हैं जो आप नहीं देख पाते हैं। तुम्हारा क्या कहना है, चलना चाहिए हमें? कल सैटरडे है और हम लोग सैटरडे को काम नहीं करते हैं, छुट्टी होती है। बिजनेस बहुत जरूरी है, मैं कल काम कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल 1 बजे मिलते हैं। ओके, कल मीटिंग करते हैं। ओके, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। See you, Mr. Levin. तुम मुझे सिर्फ लेविन कह सकती हो। बाय बाय। See you, Levin. जान? हाँ। See you then. हाँ हाँ। Have a nice day. Take care. Okay, bye.
उसकी दाढ़ी नहीं थी, ये दाढ़ी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने दाढ़ी रखी है, इसके पहले वो दाढ़ी नहीं रखता था। एंड आई एम श्योर, मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो। मीटिंग खत्म हो गई है, अब मैं चलती हूँ। तो फिर से सनम, फिर से किया ना? ये सब क्या है मिस्टर चांद? अरे फिर से वही सब, फिर से अल्बेट्रोस, अल्बेट्रोस। क्या कहा? अरे तुमने फिर से अल्बेट्रोस की कहानी दोहरा दी, फिर से वही कर रही हो, अल्बेट्रोस एंड ऑल दैट। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। तुमने नहीं किया? हाँ मैंने नहीं किया, क्यों, क्या हुआ? सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें गलत क्या, क्या हो सकता है? लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि ये वो अल्बेट्रोस नहीं है, और सच में तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। लेकिन आपको कैसे पता है सब कि वो अल्बेट्रोस नहीं है? सनम मैं और क्या कह सकता, मैं और कह ही क्या पाऊंगा, मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुम कल रात मेरे घर पर क्या कर रही थी, क्यों आई थी तुम, हाँ बताओ। ठीक है, हाँ पिछली रात मैं घूमने निकली थी, तो मैं सिर्फ अल्बेट्रोस के बारे में सोच रही थी, फिर मैंने खुद को आपके घर के सामने पाया, लाइट्स ऑन थे इसीलिए मैंने बेल बजा दी बस। मैं एक बात कहूँ, तुम ना बहाने बना रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो गया है या खराब हो गया है? सच में अल्बेट्रोस क्या है ये सब, तुम ऑब्सेस्ड हो गई हो ये अल्बेट्रोस से, सच कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। और तुम्हारे फियांसे उस्मान का क्या, आखिर क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? हाँ वो मेरा फियांसे है और हमारा प्यार अभी भी फ्रेश है, पर वो कुछ और ही था। सनम क्या है ये, तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम ये चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊँ, बोलो, ये चाहती हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए? और तब तुम अपने अल्बेट्रोस के साथ क्या करोगी? मैंने बताया था कि मैं अकाउंट के बारे में बात करूंगी। अकाउंट के बारे में बात करोगी? हाँ पूछूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मेरा मतलब है कि जो सब्जेक्ट में, मतलब क्या जान अंदर है? ये फाइल्स मैं लेकर जाती हूँ और बाद में वापस ले आऊंगी। वेलकम पोलन। थैंक यू सनीम, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, वो मैं काम कर रही थी, आप बात कर लीजिए, मैं आती हूँ। सनीम मेरे लिए जरा कॉफी भी भिजवा दे। हाँ अभी भिजवाती हूँ। हाय पोलन, हाउ आर यू? हाँ ठीक हूँ, मैं ये फाइल्स कहाँ पर रखूँ? अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं यहीं पर बैठकर काम कर लूँ। हाँ ऑफ कोर्स, काम करने के लिए अच्छी जगह, तो तुम यहाँ पर अच्छे से काम कर सकती हो। तुम्हें कुछ चाहिए, चाय, कॉफी, समथिंग, एनी ड्रिंक? हाँ मंगाई है ना मैंने। ओके अरे ओ माय गॉड, क्या हुआ? हाँ आप सब ठीक है? वो मिस्टर जान, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा, दोपहर में हम साथ में चलेंगे। ठीक है हाँ। लेकिन मिस पोलन का क्या, वो अकेली रह जाएगी? मेरा मतलब है आप दोनों फिर से साथ आ गए हैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो वो अकेली पड़ जाएंगी। हम साथ में नहीं है सर। और तुम चाहती क्या हो? पीस। आप इस तरफ जाइए, आपके आपके हाथ की जख्म अगर भर गई हो तो मैं अपना बैंडाना वापस ले लूं। अरे ये तुम्हारा बैंडाना कैसे हुआ, मुझे वहाँ समंदर के किनारे पड़ा हुआ मिला था, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? और तुमने तो इसे छोड़ दिया था, इसे मैंने ढूंढा। मिस्टर जान, मिस्टर जान प्लीज इसे छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, अब ये मेरा है। और मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुमने अभी तक मुझे सच नहीं बताया। हाँ लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हें जो करना है कब, तो कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके कल मिलते हैं मीटिंग पे, टेक केयर। आपने मुझसे सवाल पूछा और जवाब जाने के लिए तैयार ही नहीं? तुम ऐसा कह जरूर रही हो, लेकिन उसके साथ कोई और भी है, कौन है वो? कौन कौन है? देखो क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? देखो तो। हाँ वही है। मॉम ज्यादा एग्जैजरेट होने की जरूरत नहीं है, जरा आराम से मॉम, जरा आराम से। ब्रावो मॉम। गुड मॉर्निंग सनम।
गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। व्हाट्स अप लैला, कैसी हैं आप? हेलो मिस्टर जॉन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? आपको यहाँ दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हैं आप? क्या मैं सनम को एक बिजनेस मीटिंग के लिए ले जा सकता हूँ, फिर मैं उसे ड्रॉप कर दूँगा? हाँ हाँ, ले जाइए, इसमें परमिशन लेने की क्या बात है, बिल्कुल ले जाइए। क्या हमें रिटर्न परमिशन भी लेनी पड़ेगी? अगर आप कहें तो हम वो भी ले लेते हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, ये सब तो फॉर्मेलिटी है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप सब अच्छे से जानते हैं ना मिस्टर जॉन। ओके ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। बाय, आती हूँ मैं। कितना अच्छा इंसान है। कैसी हो तुम सलीम? हेलो पोलिन। दोबारा जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगा। तुम जॉन के बहुत ही क्लोज दिखती हो है। कितना अच्छा इंसान है और वो लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या बात है। हाँ मॉम, मैं उसको जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी इंसान है। और लंबी, मैंने सोचा खाने से पहले ही तुम्हारे साथ वो जगह देख लो। अच्छा किया, बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद आएगी वो। अच्छा है, अपना ख्याल। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, एकदम वक्त पर। हाय लेवेंट। पोलैंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम भी नहीं। तुम एक दूसरे को जानते हो? हमारे डैड पुराने दोस्त हैं। जब मैं हार्वर्ड में था तो पोलैंड भी यूएसए में थी। हमारे फादर ने हमको इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने सोचा था कि हम एक अच्छा कपल साबित होंगे, लेकिन फाइनली वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ऐसा चाहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैसी हो सनम? अच्छी हूँ लेवेंट, और आप? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। ओके सनम, क्या हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल मिस्टर जॉन। मुझे एक घंटे से तो ये जगह मिल ही नहीं रही थी, मैं कभी भी यहाँ नहीं आया। आराम से। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल मुझे धूल से बहुत एलर्जी है और मुझे लगता है कि अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा मुझे इस काम को फिनिश करने के बाद। ये क्या, जरा सी तो धूल है बस। इसके बारे में पहले से ही कुछ सोचने मत लग जाना, ये हैंडसम है, हो सकता है कि ये अल्बात्रस हो। जाओ जाओ, मिस्टर जॉन की तरफ मत देखो, अपने अल्बात्रस पर फोकस करो। मिस्टर जॉन की तरफ मत देखो, मिस्टर जॉन की तरफ मत। तुम ठीक हो मिस्टर जॉन? हाँ सनम बोलो। क्या आप यहाँ आएंगे एक मिनट के लिए, बहुत अर्जेंट है ये। बहुत अर्जेंट है? हाँ मिस्टर जॉन। तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। ओके नहीं, वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाँ बोलो सनम, क्या हुआ? आपसे कुछ अर्जेंट पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ ओके ठीक है, पूछो। हाँ, इसके आउटर साइड में कौन सा कलर अच्छा लगेगा? हाँ हरा रंग। हरा रंग। Well to be honest, अभी तो हमने उसके अंदर क्या होगा ये भी नहीं सोचा, तो फिर तुम ये सब के बारे में क्यों सोच? मिस्टर जॉन, जब तक बाहर क्या होगा ये समझ नहीं आएगा, तब तक मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगी कि अंदर क्या होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा, ये बहुत अर्जेंट है। मैं समझ गया। ये जगह पुरानी है तो क्यों ना सेम कलर रखा जाए, इसके टेक्सचर को भी हम वैसा ही रखें, यू नो, बिना कोई मेजर चेंज किए हुए। हाँ? वैसे भी ये देखो ना,
कितना अच्छा होता है एकदम नेचुरल एंड रियल, जैसा आप कहें। हाँ अच्छा, मुझे एलर्जी है। मैं पोलन की हेल्प करता हूँ क्योंकि उसने हाई हील पहनी हुई है, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं। वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है। थैंक यू मिस्टर जॉन, काफी सेंसिबल। अगली बार कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना, मैं कोई भी सवाल का जवाब दे दूंगा। ओके, मुझे इस तरह बुलाना मत। ठीक है मिस्टर जॉन, अगर कोई काम रहा तो आपको सीधा कॉल करूंगी, आप जाइए। श्योर, आई एम देयर। पोलन तुम ठीक तो हो ना? क्या हो इधर? ओह जॉन, देखो नहीं क्या हो गया, हील टूट गई है मेरी। कहाँ, यहाँ पे? और तुम्हें हील क्यों पहननी थी? यहाँ स्पोर्ट्स शू पहनना चाहिए था, यू नो फॉर द ओकेजन। अब तुम्हें देख, तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है। लुक, स्पोर्ट्स शू कितना सेंसिबल, कितना सही, कंफर्टेबल। तो बेबी हमें खाना खाने जाना है ना? हाँ, भूल गए क्या तुम? अच्छा, तुम्हारे आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज देना, मैं फिर से एक बार देखूं। लेकिन हमको इसके क्लिप अगले हफ्ते में ही शूट करने होंगे, हम लॉन्च के लिए रेडी हैं, ये अर्जेंट है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं डेरिन से बात करता हूँ, सब सॉर्टेड है। अच्छा, मुझे पता चला कि तुमने एलिन के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है, उसका कॉल आया था मेरे पास, वो डिजाइन में काफी हेल्प कर सकती है तुम्हारी। सनम, थैंक यू सो मच, मेरी माँ को बहुत पसंद आएगा इस जगह पर काम करना। माय प्लेजर। मेरी कोई क्वेरीज होगी तो मैं तुमको कॉल कर सकता हूँ ना? हाँ। लेवेंट, ऐसा करते हैं कि तुम मुझे कॉल करना और फिर मैं सनम को कॉल करूँ, ऐसे मैं भी अपडेटेड रहूंगा। ओके, हम उस तरह से ही काम करेंगे। जान हम चले क्या? नहीं तो हमें बहुत देर हो जाएगी, है ना? हाँ चलते चलते। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मून डेजी, तुमने तो सुना होगा ना उसके बारे में? मून डेजी, तुमने वहाँ पर टेबल कैसे बुक कर लिया? वो तो हमेशा फुल रहता है। मुझे 3 महीने बाद डेट मिली है वहाँ की, मुझे तो जलन हो रही है तुमसे। अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। सनीम, तुम भी चल सकती हो हमारे साथ, मेरे फ्रेंड्स टेबल अरेंज कर देंगे वहाँ पर। सो ग्रेट, ये तो डबल डेट हो गई। क्या बोला, डबल डेट? क्या मतलब इसका डबल डेट का? दो लोग और दो साथ में। सनम, मुझे खुशी हो। सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, यहाँ तो सब अच्छा है, तुम मेरी मदद करो ना। हाँ ठीक है, देखो। पोलन थैंक्स, देखो सारे दोस्त हमारे यहीं पे हैं। सनम, तुम्हें ये जगह कैसी लग रही है? हाँ हाँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तुम वाइन क्यों नहीं? सनम ड्रिंक नहीं लेती है। वेल, मैं भी नहीं पीता हूँ। जान, हाँ? क्या बात कर रहे हो, इतना भी स्ट्रिक्ट मत बनो, उसे पीने दो ना प्लीज। नहीं एक्चुअली, वाइन पीने से वो अजीब सी बिहेव करने लगती है, वो फिर नॉनसेंस भी बोलना शुरू कर देती है। क्या मैं? अच्छा, मैं नॉनसेंस बोलना शुरू करती हूँ? तो क्या मैं आज के लिए एक ग्लास वाइन ले सकती हूँ? तो फिर से तुम वाइन पियोगी, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी और फिर अजीब हरकतें नॉनसेंस बातें करोगी, है ना? मुझे एक ग्लास वाइन चाहिए। ठीक है, पियो। सनम, हम 46th एनिवर्सरी के बारे में बात नहीं करेंगे, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो समझ रही हो तुम? 46th एनिवर्सरी लॉज लॉज लॉज, हाँ मुझे याद है। 11th, उस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी, है ना? ना मत बोलना, मुझे याद है ना? सही कह रहा हूँ ना? हाँ यसिम मेरे साथ। हाँ यसिम, बिल्कुल, इसकी गर्लफ्रेंड थी तब यसिम, और इसकी दाढ़ी भी नहीं थी उस वक्त, है ना? उस रात बहुत सारी घटनाएं हो गई थी, यसिम बहुत जेलस हो गई थी और वहाँ से निकल गई थी। क्या वो वहाँ से चली गई थी? मतलब उस रात क्या हुआ था ऐसा कि वो वहाँ से चली गई? मैं ये सब यहाँ नहीं कह सकता, ये थोड़ा सा गंदा है। बताओ ना, गंदा या फिर कुछ रोमांटिक सा? रोमांटिक औरत के लिए और गंदा आदमी के लिए। मैं आप लोगों के लिए क्या लूं सर? हाँ अभी के लिए ड्रिंक और स्टार्टर ले आओ, बाकी मेन कोर्स हम बाद में ऑर्डर करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा रुक के। हाँ थैंक यू। ओके सर। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या लेना है। मेरे लिए एक ग्लास वाइन प्लीज। सनीम, तुम क्या लेना पसंद करोगी? मैं देखती हूँ। शुक्रिया, मैं ऑर्डर देती हूँ।